हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम एक नए टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बातें करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वीडियो को देखने से पहले आप मैंने जो एक पहले वीडियो बनाई है ऑपरेटिंग सिस्टम पे जिसमें कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल बेसिक्स की डिस्कशन किया है उसको आप ज़रूर देखें उसके बाद ही इस वीडियो को देखें उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा वहाँ से आप उसको देखें तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके से आप कह सकते हो आत्मा है कंप्यूटर की आत्मा कैसे यही वो एलिमेंट है यही वो पार्ट है जो एक कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाता है या पुंग है जो हार्डवेयर है हमारे कंप्यूटर के उनमें जान डालता है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम जान डालता है कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक हार्डवेयर को एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही बनाता है और इसके मुख्य चार काम है पहला ये क्या करता है यह प्रोसेस मैनेजमेंट करता है प्रोसेस मैनेजमेंट यह प्रोसेस क्या है यह हम अभी चर्चा करेंगे ठीक है प्रोसेस मैनेजमेंट दूसरा यह क्या करता है ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है कंप्यूटर के पास जितने भी मेमोरी हैं उन सब का मैनेजमेंट करता है यह तीसरा ये क्या करता है ये फाइल मैनेजमेंट करता है फाइल मैनेजमेंट कंप्यूटर में कितने फाइल्स कहाँ रखे हुए हैं उन सब का मैनेजमेंट करता है चौथा यह क्या करता है ये डिवाइस मैनेजमेंट करता है डिवाइस मैनेजमेंट तो इसके नाम से ही पता चल गया होगा प्रोसेस मैनेजमेंट अभी हम प्रोसेस देखेंगे क्या होता है जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में रन हो रहे होते हैं वो सब प्रोसेस कहलाते हैं मेमोरी आप समझ गए मेमोरी को मैनेज करना बहुत जरूरी है नहीं तो आ, हमारा जो कंप्यूटर है वो इफिशियंटली रन नहीं होगा दूसरा फाइल मैनेजमेंट किस फाइल को कितनी स्पेस लेनी है कहां रखना है ये सारी चीजें को मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है चौथा डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है कि, कि किसी कंप्यूटर से कौन कौन से डिवाइस जुड़ रहे हैं पेन ड्राइव जुड़ रहा है माउस जुड़ रहा है कीबोर्ड जुड़ रहा है कोई प्रिंटर जुड़ रहा है या इसके अलावा माइक कैमरा वेब कैम ये सब जुड़ रहे है, इन, ये सब हैं ये सभी डिवाइसेज हैं कंप्यूटर के लिए तो इन सभी का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और ये चार काम ही आप देखोगे चारों ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसी से कंप्यूटर चल रहा होता है तो मेन आप ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर के सारे जो मुख्य कार्य हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही संभालता है ठीक अब हम जरा प्रोसेस पर नज़र मार लेते हैं प्रोसेस क्या होता है देखिए प्रोसेस आपने एक वर्ड सुना होगा और जानते भी होंगे प्रोग्राम हमने पढ़ा भी है प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कुछ कमांड्स कुछ इंस्ट्रक्शंस को एक सेट सेट में यानी कि ऐसे लिख देते हैं किसी फाइल में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और इसी को हम कहते हैं कि ये एक प्रोग्राम है ठीक तो जब तक ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लिख कर एक फाइल में रखा हुआ है कुछ इसका नाम दे दिया अगर ये पाइथॉन में लिखा है तो डॉट पी वाई हो जाएगा अगर ये सी में लिखा है तो डॉट सी हो जाएगा अगर सी प्लस प्लस में तो सी पी पी हो जाएगा पी एच पी में तो पी एच पी जावा में तो डॉट जावा ये सब मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ इन सब पे आप ध्यान देंगे है ना नाम मैंने बोला पाइथॉन का सी का क्या है कई बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है कि, कि किस प्रोग्राम का फाइल का नाम का एक्सटेंशन क्या होगा ये एक्सटेंशन है इस तरह आपने कुछ भी एक्सटेंशन दिया और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए एक प्रोग्राम है तो जब तक ये लिखा हुआ ऐसे ही फाइल किस कंप्यूटर में या किसी मेमोरी कार्ड में कहीं पड़ा हुआ है तब तक ये प्रोग्राम है लेकिन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं यानी कि जब ये सीपी के पास पहुंचने लगता है जब एग्जी सीपीयू के पास अभी पहुंचा नहीं है जब आप इसको एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं तब ये तैयार होता है सीपी के पास जाने के लिए मतलब एक एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू के पास जाने के लिए रेडी होता है तो जब वो रेडी पूरी तरह हो जाता है उस समय यह कहलाता है प्रोसेस यानी कि ये जो प्रोग्राम है यही प्रोसेस बन जाता है कब जब ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा होता है फर्क समझ में आया आपको अब प्रोग्राम इन रनिंग सिचुएशन और इन रनिंग स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस अ प्रोग्राम इन रनिंग सिचुएशन इज अ प्रोसेस अ प्रोग्राम इन रनिंग कंडीशन इज अ प्रोसेस यानी कि एक प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तब वो प्रोसेस बन जाता है प्रोसेस कहलाता है ठीक है तो आप ये देख सकते हैं कि प्रोग्राम एक प्रोग्राम में एक तरीके से जान नहीं है ये एक स्थूल टाइप का पड़ा रहता है कहीं फाइल में लिखा हुआ है लेकिन प्रोसेस लाइव जीवित टाइप का बिहेवियर है इसका ये एक्चुअली में एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना तो आप ये भी फर्क प्रोग्राम और प्रोसेस में डाल सकते हैं कि प्रोसेस में लाइव लाइफ होता है वो जीवन जीवंत होता है जबकि प्रोग्राम में लाइफ नहीं होता वो बस लिखा हुआ रहता है स्थूल रहता है उसमें एक्टिविटीज नहीं रहती ठीक है तो जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में जाता है यानी कि जब हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोसेस बनता है और प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं जैसे जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब तो वो न्यू स्टेट में जाता है न्यू स्टेट यानी कि अभी अभी वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है अभी अभी वो प्रोसेस बना ही है न्यू स्टेट में क्रिएट होने के बाद स्टेट में क्रिएट होने से मतलब है कि जब किसी प्रोग्राम को आप जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें रैम अब सेकेंडरी मेमोरीज अपने डेटा को लेकर आता है रैम में स्टोर करता है फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करता है यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रेडी करता है कि अब ये एग्जीक्यूट होगा उस वाले कंडीशन को हम न्यू स्टेट कहते हैं और जब न्यू स्टेट जो वाला जो कंडीशन यानी कि वो पूरी तरह अब रेडी है कि अब वो एग्जीक्यूट हो सकता है तो उस केस में वो कहाँ चला जाता है रेडी स्टेट में यानी कि न्यू यानी कि अभी वो जस्ट बॉर्न हुआ है अभी वो चलने फिरने लायक नहीं हुआ यानी कि उसके सारे इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आए इकट्ठे नहीं हुए तब तक वो न्यू स्टेट में रहता है लेकिन जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसकी पूरी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर दी जाती है तब वो रेडी स्टेट में बन जाता है अब एकदम रेडी टू गो है तब वो रेडी स्टेट में चला जाता है अब ये जो रेडी स्टेट है एक्चुअली एक तरीके का वफ़र होता है जहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसेस रेडी स्टेट में हैं बहुत सारे प्रोसेसेस से मतलब क्या है जैसे आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो सब के सब प्रोसेस के फॉर्म में होंगे है ना जैसे आप एक वीडियो प्ले कर रहे हैं तो जो भी प्लेयर है डोज मीडिया प्लेयर है वी प्लेयर है जो भी प्लेयर है उसका एक प्रोसेस बना होगा आप क्रोम यूज कर रहे हैं क्रोम के प्रोसेस बने रहे होंगे ऐसे जितने भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं उन सब के प्रोसेस यहाँ पर रेडी स्टेट में होंगे यानी कि जो जो प्रोसेस रेडी स्टेट में होंगे वो यहाँ रेडी स्टेट में है अब इस रेडी स्टेट में इतने सारे प्रोसेस हैं लेकिन सी तो किसी एक को ही एग्जीक्यूट कर सकता है लेकिन अगर आ, अगर वन कोर का सी है तो एक बार में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा वो लेकिन अगर आजकल क्वाड कोर ऑक्टा कोर आ रहे हैं जैसे एक ही सीपीयू में चार सीपी यू लगे मतलब एक प्रोसेसर के अंदर चार सीपी यू लगे हैं तो वो चार प्रोसेसर्स को एक साथ रन कर सकता है बट फिर भी मान लीजिए आपके पास बीस हम सिंप्लिसिटी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास एक ही प्रोसेसर है एक वन कोर प्रोसेसर है और हमारे पास दस प्रोसेसर्स वेट कर रहे हैं रेडी स्टेट में यानी कि वो रेडी है रेडी टू एग्जीक्यूट रेडी टू रन है तो

खास तरीके का कंडीशन नहीं लगाएंगे उसे हम कहते हैं शेड्यूलिंग क्या कहते हैं शेड्यूलिंग हम शेड्यूल करते हैं यही यहां पर यहां पर लिखा हुआ देखिए शेड्यूलर या डिस्पैचर शेड्यूलर यहां पर लगा होता है जो कि रेडी स्टेट में से प्रोसेसेस को जो भी शेड्यूल की टेक्निक है शेड्यूल का तकनीक है शेड्यूल का रूल है उसके आधार पर यहां से एक प्रोसेस को उठाकर वो रनिंग स्टेट में भेजता है अगर ज्यादा प्रोसेस प्रोसेसर अवेलेबल हैं तो वो ज्यादा प्रोसेस को एक बार में उठाकर प्रोसेसर्स को दे देगा जब एक प्रोसेस को एक सीपीयू मिल जाता है तब वो रनिंग स्टेट में हो जाता है यानी कि उसका एग्जीक्यूशन शुरू होने लगता है उसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने लगता है कौन सी अब मान लीजिए रनिंग स्टेट में आते आते कई जगह कई बार क्या होता है कि कई प्रोग्राम्स को आपका माउस का क्लिक चाहिए या या कीबोर्ड से कोई बटन क्लिक करना है तभी वो उसके आगे जाएगा कई बार आपने देखा होगा कई केसेस में वो बिना आप कुछ चीज वो मांग रहा होता है यानी कि यस नो या कोई खास कैरेक्टर आपका नाम पूछ रहा है इस तरीके की चीजें जब वो मांग रहा है है इस केस में क्या होता मान लीजिए आपने 10 मिनट तक उसको इनपुट नहीं दिया तो उसने देर क्या सीपीओ रुका रहेगा नहीं सीपीयू क्या करता है जैसे ही किसी प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट की जरूरत होती है या किसी और एप्लीकेशन से उसको डेटा चाहिए उस पर उसकी डिपेंडेंसी हो जाती है तो उस केस में क्या होता है इस रनिंग स्टेट से सीपीयू उसको ले जाकर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ले जाकर कहां डाल देता है वेटिंग स्टेट में ये वेट कर रहा है किस लिए रिसोर्स का इनपुट आउटपुट का या किसी और दूसरे रिसोर्स का जैसे प्रिंट करना है कोई चीज तो प्रिंटिंग के बाद तुरंत प्रिंटिंग नहीं हो जाती वो वेटिंग स्टेट में चला गया कि आउटपुट करना है हमें कुछ अब जब वो प्रिंट हो जाएगा तब वो फिर वापस आएगा तो ये वेटिंग स्टेट है वेटिंग स्टेट में हम क्यों डाल देते हैं क्योंकि सीपीयू का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है ये जो इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस होता है इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा होता है और ह्यूमन इंटरेक्शन कंप्यूटर के मामले में बहुत बहुत ही ज्यादा स्लो है इसलिए इसको वेटिंग स्टेट में डाल देता है कौन ऑपरेटिंग सिस्टम तो ये प्रोसेस वेटिंग स्टेट में आ गया यानी वेटिंग स्टेट का मतलब है कि उसको इनपुट या आउटपुट चाहिए कुछ किसको हमारे प्रोसेस को जैसे ही उसकी ये इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है यानी कि इसका वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो वेटिंग स्टेट से अब सीधे रनिंग स्टेट में नहीं जाएगा वो इसको उठाकर फिर से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कहां डाल देता है रेडी स्टेट में रेडी स्टेट में फिर वही कंडीशन आ गई अभी रेडी स्टेट में जाते ही तुरंत वहां नहीं चला जाएगा कि मैं पहले से रन हो रहा था मैं ऐसा नहीं है रेडी स्टेट में आने के बाद इनको फिर से उसी इस हर प्रोसेस को रेडी स्टेट के बाद फिर से वही वाली शेड्यूलर वाली टेक्निक को अपनाना होगा शेड्यूलर जिसको भेजेगा अपने रूल के हिसाब से वही यहाँ पर रनिंग स्टेट में जाएगा तो ये जो तीन केसेस हैं ये हमेशा चलते रहते हैं न्यू स्टेट एक ही बार होता है जब प्रोसेस एक्चुअली क्रिएट हो रहा होता है उस समय न्यू स्टेट उसके बाद वो रेडी स्टेट में जाता है रेडी स्टेट के बाद में जाने के बाद शेड्यूलर जान जाता है कि अभी रेडी है टू रन है सी को दिया जा सकता है तो शेड्यूलर अपने रूल के हिसाब से इन्हों के प्रोसेस को रनिंग स्टेट में यानी कि सी को भेजता रहता है यहाँ पर रन होते रहते हैं वो कब तक जब तक कि उनको किसी इनपुट या आउटपुट की जरूरत ना पड़े जैसे ही इनपुट आउटपुट या कोई इवेंट आता है उस प्रोसेस में तो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उठाकर सीपीयू का टाइम छोड़ा मतलब सीपीयू को फ्री करके कि वो दूसरे प्रोसेसर को तब तक रन करे इसको वेटिंग स्टेट में डाल देता है और ये जो वेट कर रहा था ऑपरेटिंग ये जो प्रोसेस हमारा इसको जैसे ही इसकी इनपुट आउटपुट या इवेंट वाली प्रोसेस खत्म हो जाती है रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है तो इसको फिर से रेडी स्टेट में डाल दिया जाता है और रेडी स्टेटमेंट के रेडी स्टेट के बाद फिर से ये शेड्यूल होता है फिर से रनिंग फिर से वेटिंग कब तक जब तक इसका काम ये प्रोसेस पूरी तरह एंड ना हो जाए यानी कि प्रोसेस का काम जिस भी काम के लिए वो है वो पूरी तरह जब तक ख़त्म ना हो जाए ये तीन में ये घूमता रहता है ठीक है और जब उसका प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है यानी कि प्रोसेस एंड हो गया पूरी तरह उसके काम कंप्लीट हो गया तो रनिंग स्टेट के बाद ये कहां चला जाता है टर्मिनेटिंग स्टेट में यानी कि प्रोग्राम हमारा वो प्रोसेस एंड हो जाता है उसका काम फिनिश हो गया तो ये पांच स्टेट हो सकते हैं न्यू रेडी रनिंग वेटिंग और फिर टर्मिनेट ठीक है इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं इसको समझने के बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एक है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ही तरह के काम बार बार करता है जैसे इसको मौसम का अनुमान लगाना है तो इसको बहुत सारे डेटा दे दिए गए अब इसके आधार पर ही अनुमान लगा रहा है तो इसके एक ही काम है है ना तो ये लंबे जो बहुत देर तक चलने वाले काम हैं एक साथ थोक में दे दिए जाते हैं और उसको ये करता रहता है ऐसे काम को ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं दूसरा हमारा होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक ही टाइम पर एक से ज्यादा यूजर्स को एक्सेस करने देता है जैसे हमारा सर्वर हमारे सर्वर में क्या होता है एक से ज्यादा क्लाइंट एक से ज्यादा यूजर्स सर्वर को एक्सेस करते हैं ना फॉर्म भेज रहे हैं फेसबुक को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक साथ बहुत सारे यूजर्स जो है इसके आप फेसबुक को खोले रहते हैं यानी कि सर्वर पे बहुत सारे यूजर का रिक्वेस्ट जा रहा है और वो सबको सर्व कर रहा है ना तो ऐसे सिस्टम को और और पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है सर्वर का वो भी लॉग करके कुछ कर रहा होता है उसमें डेटा क्लीन कर रहा है कुछ फाइल करेक्ट कर रहा है इस तरह की चीजें वो करता रह रहा है तो एक साथ मल्टीपल यूजर को जो काम करने देता है ऐसे सर्वर को हम मल्टी यूजर सर्वर कहते हैं इसके एग्जांपल जैसे वर्क स्टेशन एक क्वेश्चन पूछा गया था ये वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर्स जो इस तरह के हैवी काम करने वाले कंप्यूटर्स हैं जो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं जिनकी जो कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो ऐसे ऐसे सिस्टम को एक यूज़र चाह के भी पूरी तरह इसकी कैपेबिलिटी यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि एक एक नॉर्मल एक ह्यूमन जिससे कि कई गुना ज़्यादा क्षमता इन कंप्यूटर्स में है कई ज़्यादा स्पीड है इनके में एक यूज़र चाह के भी इनकी कैपेसिटी को यूज़ नहीं कर पाएगा तो ऐसे सिस्टम्स को हम कैसा बनाते हैं मल्टी यूजर सिस्टम इसमें एक से ज़्यादा यूजर्स एक साथ एक्सेस करते हैं इसको आप कई यूनिवर्सिटीज़ में या कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि एक एक बहुत हीवी वर्क स्टेशन बना दिया जाता है कहीं एक जगह जैसे डेटा सेंटर ऐसा कहते हैं उनको और वो हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी अब इनको दूसरे जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स या उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉज हैं वो कहीं से भी मतलब उस कैंपस के कहीं से भी इस वर्क सिस्टम ये वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर में लॉग इन होकर और यहाँ से अपने अपने काम ले सकते हैं हाई स्पीड हाई कैपेबिलिटी हाई पावर का डेटा हाई पावर का यूज कर सकते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए अपने कंप्यूटर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको करने के लिए तो ये वर्क स्टेशन सुपर कंप्यूटर्स ये ये किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक चीज़ यहीं पर मैं बता देता हूं क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं तो कैसे कनेक्ट होता है टर्मिनल के थ्रू हम किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होते हैं टर्मिनल क्या है ये जो कमांड लाइन आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कमांड लाइन जो यहां पर कुछ आप कमांड लिखते हैं उसे हम टर्मिनल कहते हैं ठीक है इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे तीसरा जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग तो देखो आप मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग में क्या फर्क है मल्टी यूजर में एक से ज्यादा यूजर एक साथ किसी कंप्यूटर के रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं मल्टी टास्किंग में क्या होता है एक ही कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं ये मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फिर दो तरीके का होता है एक होता है प्री एमटिव प्री एमटिव एमटिव मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है कोऑपरेटिव को ऑपरेटिव मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम प्री में क्या होता है प्री एटिव ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि मान लो आप एक कंप्यूटर को दस काम करने हैं तो इसमें क्या करेगा पहले को कुछ देर किया फिर उसको लगेगा कि नहीं अब इस दूसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे मतलब दूसरे को हम कर सकते हैं तो क्या करेगा इस काम को जितना किया उतनी ही पर रोक देगा प्रीएम्प्ट करने का मतलब यही होता है बीच में छोड़ देना तो बीच में ये उस काम को छोड़ देगा फिर अगले को उठा लेगा अगले को करने लगा अगले को थोड़ी देर किया फिर उसको भी छोड़ देगा वहीं पर फिर नेक्स्ट को उठा लेगा इस तरह वो टाइम बदल बदल के मीन्स एक जो काम कर रहा है उसको रोक कर दूसरे काम को करने लगा इसी को मेन काम कहते हैं इसी इसी को हम कहते हैं प्रियम्पन किसी काम जो काम चल रहा है उसको रोक देना फिर दूसरे को करना बीच में रोकने की कैपेबिलिटी प्रियम्पन कहलाती है तो इस तरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल टास्क कर रहा है लेकिन एक को रोक रोक कर ले लिया है तो उसको कंप्लीट करेगा फिर अगले को करेगा करेगा नेक्स्ट को भी बट पहले जिसको लिया है पूरी तरह करेगा कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम चौथा जो टाइप है वो है टाइम शेयरिंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा सी पी यू है ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने प्रोसेसेस को एक डिफ्री प्री डिफाइंड टाइम शेयर करता है जैसे मान लो आपने दो सेकेंड फिक्स कर दिया है या दो सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिक्स कर दिया है तो और उसके पास बीस प्रोसेस तो हर प्रोसेस को दो दो सेकेंड का टाइम मिलेगा फिर अगली बार जब जब बीस सौ प्रोसेस एक बार दो दो सेकंड मिल जाएगा तो अगली बार फिर से फर्स्ट वाले को फिर से दो सेकंड मिलेगा फिर से सेकंड वाले को दो सेकंड इस तरह हर प्रोसेस को जो भी रेडी क्यू में है उनको दो दो सेकंड का टाइम मिलता जाएगा ठीक है इसे कहते हैं टाइम शेयरिंग ये भी आप देख सकते हैं ये भी एक प्रियमटिव का एक एग्जाम्पल है दूसरा प्रियमटिव इसमें भी हम काम को रोक रहे हैं है ना हर दो सेकेंड बाद काम को रोक दे रहे हैं फिर अगले को शुरू कर रहे हैं ये भी एक बट ये स्पेशल केस है उसका प्रियमटिव का स्पेशल केस है टाइम शेयरिंग पांचवा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको मैंने पहले भी समझाया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि कुछ चीजें एकदम लिमिट टाइम में रियल टाइम में क्या होता है कि आपको जो डिसीजन लेना है या आपको जो काम करना है वो एकदम निर्धारित समय में करना है इतने ही समय इसको इसके लिए आप ज्यादा समय नहीं ले सकते जैसे रेलवे की बुकिंग करनी है फ्लाइट की बुकिंग करनी है तो उसका एक फिक्स है दायरा उतने में ही करना है उस, उ, उसके बाहर नहीं जा सकते आप तो जब टाइम्स फिक्स हो किसी प्रोसेस को किसी टास्क को कंप्लीट करने का टाइम निर्धारित हो उतने के अंदर ही करना है तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस तरह के टास्क को मैनेज करते हैं उन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जैसे ट्रैफिक के लाइट को कंट्रोल करना है ना अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो तरह के होते हैं एक होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट और दूसरा होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो इन दोनों में फर्क बस इतना ही है दोनों ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्ट में थोड़ा बहुत देरी चलता है थोड़ा बहुत लेकिन हार्ड में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत देरी नहीं चलेगा हार्ड मतलब एकदम ज्यादा स्ट्रिक्ट रियल टाइम एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ये टाइम को ठीक तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं अब हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस की ये क्या होता है यूजर इंटरफेस जब आप किसी कंप्यूटर को यूज करते हैं तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद जो आपको चीजें स्क्रीन पर दिख रही होती जिसके थ्रू आप उससे इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से बातें करते हैं जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया किसी आइकॉन पे क्लिक किया राइट right क्लिक किया लेफ्ट क्लिक किया तो ये जो चीजें वो आपको प्रोवाइड करा रहा है इसे कहते हैं यूजर इंटरफेस यानी कि आप आप यूजर हैं कंप्यूटर के और आप ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरह बात कर रहे हैं वो जो इंटरफेस आपको दे रहा है वो जो पैनल आपको दे रहा है जिसके थ्रू आप उसको मैसेज दे रहे हैं कमांड दे रहे हैं उसे ही इंटरफेस कहते हैं यानी इस टोटल को क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिफरेंट टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं मेनली ये दो ही तरह के होते हैं पहला होता है जी जो कि बहुत ज्यादा चलन में है इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है जो कि आपको मिलता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपको मिलता है आपके सामने स्टार्ट मेनू है आईकॉन्स हैं ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पार्ट हैं आप उसके थ्रू क्लिक करके कोई भी जो कंप्यूटर को नहीं भी जानता है वो भी स्टार्ट पे क्लिक करके और किसी एम थ्री को डबल क्लिक करके और ये कोई म्यूजिक प्ले कर सकता है ये बहुत आसान बना देता है कंप्यूटर के यूज़ को दूसरा एक जो यूज़र इंटरफेस होता है वो इतना आसान नहीं होता उसमें कुछ भी आईकॉन्स नहीं उसमें ग्राफिक्स यूज नहीं होते है ना उसको हम कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस कैरेक्टर यूजर इंटर उसमें उस वाले इंटरफेस में कैरेक्टर्स का यूज होता है कई बार इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस ये भी कहा जाता है ठीक है क्यों क्या होता है इसमें आपका ये मान लीजिए कंप्यूटर है तो यहाँ पर एक चीज बस एक माउस सॉरी एक, एक यहाँ पर एक कर सर ब्लिंक होता रहेगा कि आप यहाँ पर कुछ टाइप करिए कुछ लिखिए यानी कि क्या करिए आप कुछ कैरेक्टर्स लिखिए और फिर इंटर करिए इन रेक्टर्स जो आप लिख रहे हैं उसके आधार पर ये कंप्यूटर काम करेगा यानी कि आप जो यहाँ लिखे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कमांड तो कमांड के थ्रू आप कमांड आपको लिखना पड़ेगा उस कमांड के अनुरूप वो कंप्यूटर आपका काम करेगा इसमें कुछ भी दिखता नहीं है ग्राफिकल इसमें कुछ भी नहीं दिखता तो इस तरह के इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं यहां पर एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है इससे क्वेश्चन पूछा गया था क्या होता है कि जब आपके सामने कभी आपने देखा हो या अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप अपने कंप्यूटर में कमांड लिखना स्टार्ट मेन्यू में कमांड तो आपके सामने एक सी करके आएगा कमांड लाइन करके एक एप्लीकेशन आएगा उसको खोल के देखना आप उसमें आपको ऐसे ही ब्लैंक स्क्रीन मिलेगा एकदम ब्लैक और यहाँ पर कुछ कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा कि आप यहाँ पर कमांड लिखिए यहाँ पर हम कमांड लिखते हैं लेकिन जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसके पहले कुछ कुछ लिखा होगा सी यूज़र ऐसे करके और जो भी यूज़र का नाम है वैसे करके लिखा होगा ऐसे करके यूज़र और फिर यहाँ पर ऐसे बना होगा यहाँ पर आप और यहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है आप यहां से लिखिए तो ये जो लिखा रहता है यहां इतना तक जिस जहां आप कमांड लिखने का आपके लिए जगह होता है उसके पहले जो चीजें लिखी गई रहती हैं ये बता रही होती हैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे रही होती है क्या इंफॉर्मेशन दे रही होती है वो अलग बात है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि वो क्या इंफॉर्मेशन दे बट नॉर्मली ये क्या 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 इंफॉर्मेशन देती हैं कि आप किस डायरेक्टरी में हैं अभी कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी किस लोकेशन यानी कि सेकेंडरी मेमोरी के या ऑपरेटिंग सिस्टम के किस लोकेशन पर आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं या ये कमांड लाइन खुला हुआ है यह लोकेशन बताता है ये और इसको एक खास नाम से जानते हैं इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इसका खास नाम है इसका नाम क्या है प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट आपको एक स्पेस देता है जहां पर आप कमांड लाइन कमांड लिखें यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में यह कमांड लाइन इंटरफेस को कई कई नाम से जाना जाता है इसको कई बार टर्मिनल भी कहा जाता है टर्मिनल इसी को कहा जाता है इसी इंटरफेस को कहा जाता है कई में दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको सेल कहा जाता है शेल जैसे लाइनक्स में इसको शेल कहा जाता है सेल भी टर्मिनल का ही एक दूसरा नाम है हो सकता है उसका लुक थोड़ा अलग हो बट सेम चीज है वो वो भी कमांड लिखने की जगह देता है आपको इन सभी में टर्मिनल सेल कमांड लाइन इंटरफेस इन सब में या फिर इसका एक और नाम है विंडोज में एक दूसरा फॉर्मेट भी इसका मिलता है उसको कहते हैं पावर शेल तो विंडोज में आपको दो तरीके के कमांड लाइन मिलेंगे एक तो पावर सेल नाम से मिलेगा एक सीएमडी नाम से मिलेगा कमांड नाम से इन सभी में सभी तरह तरह के के ये इस यूजर इंटरफेस में टर्मिनल्स में आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा प्रॉम्प्ट अब ये प्रॉम्प्ट आप भी सेट कर सकते हैं एडवांस यूजर सेट करते हैं प्रॉम्प्ट में कुछ भी लगा सकते हैं आज का डेट लगा सकते हैं कुछ भी और नॉर्मली ये क्या रहता है फाइल का लोकेशन किस फोल्डर में अभी आप हैं उस फोल्डर का लोकेशन दिखाता रहता है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रॉम्प्ट क्या करता है तो प्रॉम्प्ट आप समझ गए कि क्या करता है बट उसमें ऑप्शन ऐसे थे उस, उसके हिसाब से क्या आंसर था कि प्रॉम्प्ट कमांड को लिखने का जगह स्पेस प्रोवाइड करता है तो आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट के बाद ही आप ये कमांड लिखते हैं तो वो ऑप्शन सही था वहां से तो आप प्रॉम्प्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं अब हम बात करते हैं बूटिंग की बूटिंग क्या होता है इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में कर देना बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसे खास नाम दिया गया है उसे कहते हैं बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है बूटिंग दो तरह के होते हैं एक होता है वार्म बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग क्या फर्क है दोनों में देखो आप बहुत आसान है कोल्ड बूटिंग का मतलब यह है कि जब आपका कंप्यूटर ठंडा पड़ा हुआ का पड़ा है ठंडा कब पड़ा रहेगा जब कंप्यूटर आपका शट डाउन है पूरी तरह बंद है पूरी तरह बंद है और आप गए और आपने पावर ऑन का बटन दबाया तो ये एकदम बंद से कोल्ड से ये स्टार्ट हुआ इसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर एकदम शट डाउन हो पूरी तरह से बंद हो और आपने उसको ऑन किया या बूट किया वार्म बूटिंग में क्या होता है कंप्यूटर आपका चल रहा है और आपने री किया कंप्यूटर बंद नहीं था कंप्यूटर आपका चल रहा था लेकिन आपने बीच में उसको क्या किया रीस्टार्ट किया तो इस तरह के बूटिंग को वार्म बूट क्योंकि बूटिंग बूटिंग तो इस केस में भी हो रही है तो इस तरह के बूटिंग को हम कहते हैं वार्म बूटिंग ठीक एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल्स में मैं पहले भी बता चुका हूं विंडोज विंडोज से पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको एमएस डॉस कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है ना इसमें केवल टर्मिनल होता था जी यू आई नहीं था जब से एमएस डॉस में जी यू आई जुड़ा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जुड़ा तब से यह विंडोज कहलाने लगा ठीक उसके बाद और भी एग्जाम्पल है जैसे यूनिक्स है और भी है लाइनक्स है और भी है मैक ओ है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं इसके अलावा ये सब किसके हैं कंप्यूटर के पी के या वर्क स्टेशन के या सुपर कंप्यूटर्स कम्प्यूटर्स के ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लेकिन मोबाइल्स जो आजकल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो मोबाइल में ये सब काम नहीं करते मोबाइल चूंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस है उसके यूजेस अलग हैं उसके उपयोग के तरीके अलग हैं उसका यूज़र भी अलग है उसके यूज़ केसेस अलग हैं उसके हार्डवेयर अलग हैं तो इसलिए मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम ये ये सब मोबाइल के लिए सूटेबल नहीं है तो मोबाइल के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे जाते हैं उसमें उसमें जो सबसे ज़्यादा यूज है वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड इसको गूगल ने बनाया है दूसरा जो यूज़ होता है वो आई है जो कि आईफोन्स में यूज़ होता है तीसरा ब्लैकबेरी ब्लैकबेरी नाम का एक मोबाइल कंपनी है जो ब्लैकबेरी नाम से फोन बनाती है उसके पास अपना ही ब्लैकबेरी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे सिम्बियॉनपियन सिम्बियन लिमिटेड इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती है जो मोबाइल में यूज होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं जस्ट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको नाम फिर से गिनवा दिया ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं अभी अभी मैंने चर्चा की कि एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कई बार ये डी ओ एस नाम से भी आता है कई बार इसके कमांड्स पूछे जाते हैं कुछ कि इसमें कौन कौन से कमांड्स है अब देखो डॉस जो था वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कहें कमांड लाइन इंटर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस पर चलता था इसमें कुछ भी जी नहीं था सब कमांड्स पे चलते थे तो इसमें कमांड लिखने पड़ते थे तो इसके जो कमांड्स थे वो दो तरह के थे एक थे इंटरनल कमांड्स इंटरनल कमांड्स दूसरे थे एक्सटर्नल कमांड्स इसमें दो तरह के कमांड्स होते हैं हालांकि ये बहुत अब यूज बिल्कुल भी नहीं होते बट फिर भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कई बार बेसिक्स पूछ दिए जाते हैं इनके हम कुछ कमांड्स के एग्जाम्पल भी देख लेंगे बट फिलहाल के लिए आप ये जानिए कि एम एस डॉस में दो तरह के कमांड्स होते हैं इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स उसके अलावा चूंकि ये पूरी तरह कैरेक्टर बेस्ड है तो इसमें जो फाइल्स थे फाइल्स के एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सटेंशन फाइल के एक्सटेंशन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कुछ भी फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है डॉट हो सकता है डॉट हो सकता है डॉट जावा हो सकता है डॉट डी ओ सी एस हो सकता है डॉट एक्सएलएस हो सकता है तो इस तरह के बहुत सारे एक्सटेंशन हो सकते हैं डॉट जे पी जी हो सकता है डॉट जे पी ई जी हो सकता है डॉट पी एन जी हो सकता है डॉट एम पी फोर हो सकता है ये बहुत तरह तरह के ऑपरेटिंग सॉरी एक्सटेंशन आपने देखे हैं फाइल के और सबका मीनिंग अलग है मीनिंग का मतलब है सब इस ये एक्सटेंशन ये बताते हैं कि ये किस तरह के फाइल हैं इनके पास किस तरह का डेटा स्टोर्ड है तो इसको आप ध्यान में रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि .bat किस तरह का फाइल है तो अब थोड़ा था तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखना कि जो .bat ये कोई फिक्स नहीं है कि .bat हमेशा उसी तरह का फाइल होगा बट जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो .bat फाइल है या .bin फाइल है इस तरह के फाइल्स जो हैं खास करके सिस्टम के फाइल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं यानी कि इसको बैच फाइल बना कहते हैं वो बैच फाइल का शॉर्ट फॉर्म है बी ए टी और सिस्टम के कुछ जो सिस्टम के इंटरनल जो कुछ प्रोग्राम्स हैं उनको स्टोर करने के लिए डॉट बी ए टी फाइल बना के वो रख देते हैं और जब भी कुछ प्रोग्राम खास प्रोग्राम करना हो या कुछ खास इवेंट करना हो तो इस डॉट बैट फाइल को रन कर देते हैं वो तो डॉट बी ए टी फाइल जो है वो सिस्टम फाइल को रिप्रेजेंट करता है सिस्टम फाइल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये कोई फिक्स नहीं है कि डॉट बी ए टी हमेशा एक सिस्टम फाइल ही होगा बट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर डॉट बी ए टी को क्या बनाया जाता है माना जाता है सिस्टम फाइल्स के रूप में उसी तरह डॉट बिन बाइनरी फाइल है ये भी एक तरीके के सिस्टम फाइल में ही आते हैं अब हम एम एस डॉस के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को देख लेते हैं जैसे ये कॉल कमांड है क्या करता है एक बैच किसी एक बैच प्रोग्राम को किसी दूसरे बैच प्रोग्राम से कॉल कर सकता है कॉल सी क्या करता है इसका फुल फॉर्म आप समझ लो चेंज डायरेक्टरी जैसे आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हैं आपको दूसरे किसी फोल्डर में जाना है तो आपको सी कमांड के थ्रू चेंज डायरेक्टरी कमांड के थ्रू दूसरे फोल्डर में जाना होगा सी कंप्यूटर के का जो स्क्रीन है उसको क्लीन कर देगा सी एल कॉपी क्या करेगा एक फाइल को दूसरे लोकेशन पे कॉपी करता है डेट कमांड क्या करेगा डेट कमांड या तो सेट करेगा कि अभी डेट मुझे कुछ डेट सेट करना है तो डेट से ही सेट करेंगे या फिर अभी का डेट देखना है क्या है सिस्टम का डेट तो डेट कमांड ही डिस्प्ले भी कराएगा दोनों काम यही करता है उसके बाद डेल डेल से क्या कर सकते हैं डेल डिलीट का शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज को डिलीट कर सकते हैं डी आई आर ये क्या करता है डायरेक्टरी डी आई आर क्या है डायरेक्टरी का शॉर्ट फॉर्म है ये क्या करेगा कि जिस भी फोल्डर में अभी आप हैं टर्मिनल हमारा जहां भी ओपेंड है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कितने डायरेक्टरीज और हैं उस पूरे डेटा को ये डी आई आर जो है डिस्प्ले करा देता है ठीक है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कितने फाइल्स और फोल्डर्स हैं डायरेक्टरी डी आई आर कमांड उसको डिस्प्ले कर देगा आप ये अपने विंडोज में चला के देख सकते हो ये सारे कमांड्स इरेज कमांड क्या करेगा इरेज नाम से ही पता चल रहा है डिलीट कर देगा फाइल को या एक से ज्यादा फाइल को या एक फाइल को एडिट क्या करता है किसी फाइल को एडिट करने के काम आता है जैसे टेक्स्ट फाइल को एडिट करना है तो आप इस कमांड के थ्रू एडिट कर सकते हैं एग्जिट क्या करता है जो भी आप पर्टिकुलर अभी प्रोग्राम या स्क्रिप्ट कोई रन कर रहे हैं उससे एग्जिट करना है उससे बाहर आना है उसको रोक देना है तो एग्जिट कमांड से बाहर आ सकते हैं फॉर्मेट क्या करता है किसी भी डिस्क ड्राइव हो या नाम आपने बहुत सुना होगा कि पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं तो ये वही वाला कमांड है फॉर्मेट कर देना उसके जितने भी डेटा है उसको इरेज कर देता है और डेटा और उसमें डेटा रखने के लायक उसको बनाने के लिए उसका उसको प्रिपेयर कर देता है यही फॉर्मेट कमांड का काम है इफ कमांड क्या करता है इफ नाम से ही पता चल रहा है इफ कोई कंडीशन के आधार पर किसी प्रोसेस को या किसी कमांड को रन करता है तो इफ कमांड का जरूरत पड़ता है एम डी एम डी मेक डायरेक्टरी एम डी का जो फुल फॉर्म है उसका वो है मेक डायरेक्टरी ये कोई आपको किसी आ, किसी भी जिस डायरेक्टरी में अभी आप हैं वहां पर आपको एक नया डायरेक्टरी डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर से समझिए डायरेक्टरी मतलब फोल्डर फोल्डर बनाना है तो आप एम डी कमांड के थ्रू उस फोल्डर को बना सकते हैं मूव किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको कोई फाइल मूव करना है तो आप मूव कमांड से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे फाइल को मूव कर सकते हैं मूव का मतलब है कट पेस्ट कट के बाद पेस्ट करना पाथ किसी फाइल का आपको पाथ जानना है कि ये फाइल कहां पर है पाथ का मतलब होता है कि वो किस फाइल के अंदर किस फोल्डर के अंदर के किस फोल्डर के अंदर के कि उसके किस फोल्डर के अंदर कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन को पाथ कहते हैं तो वो पाथ बताएगा कौन ये पाथ कमांड प्रिंट कमांड प्रिंटिंग के लिए भेज देगा किसी डेटा को आरई एन कमान क्या करेगा रीनेम का ये शॉर्ट फॉर्म है रीनेम कर देगा किसी डायरेक्टरी को या किसी फाइल को रीनेम कर देगा आर डी क्या करेगा रिमूव डायरेक्टरी किसी डायरेक्टरी को रिमूव कर देगा और ध्यान रखना ये इनपटी डायरेक्टरी कोई डायरेक्टरी खाली है उसी को रिमूव करेगा शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम से लगा देना किसी आ, जब आप कोई चीज़ इनपुट या आउटपुट कर रहे हैं स्क्रीन पर या आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं कहने का मतलब जो भी आपके पास डेटा है उसको ये सॉर्टिंग कर देगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बदल देगा स्टार्ट जो कमांड है वो किसी प्रोग्राम को कमांड को या किसी बैच फाइल को स्टार्ट करता है टाइम क्या करेगा अभी का टाइम दिखाएगा या सेट कर देगा आप इसके थ्रू सेट भी कर सकते हैं टाइप किसी फाइल में या किसी टेक्स्ट फाइल में का जो कंटेंट है वो किस टाइप का है वो शो करेगा वी ई आर वर्जन ये बताएगा कि वर्जन क्या है अभी एम एस डॉस का एक्स कॉपी क्या करेगा ये एक से ज़्यादा फाइल्स को डायरेक्टरी को या ड्राइव्स को एक जगह से दूसरे जगह पे कॉपी कर सकता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एम एस डॉस के कमांड्स हैं आप इसको बस थोड़ा सा दिमाग में रखें नाम अगर आप थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा अब हम जरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने कंप्यूटर में रोज़ यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो डेस्कटॉप क्या होता है ये आप जान लीजिए डेस्कटॉप किसको कहते हैं जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो आपके सामने की स्क्रीन आकर खड़ी होती है जिसके नीचे स्टार्ट मेन्यू रहता है और वहाँ पर कुछ आइकॉन्स बने रहते हैं बीच में यानी कि लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर उस वाले स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं ठीक है, है? जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने के बाद रुकता है आकर उसे डेस्कटॉप कहते हैं दूसरा आइकॉन्स। आइकॉन्स क्या होते हैं प्रोग्राम्स के फाइल्स के या फोल्डर्स के जो छोटे छोटे थंबनेल्स या छोटे छोटे एक्टिव एंटिटीज या एक्टिव उसके एक कहते हैं लिंक्स जो हमारे डेस्कटॉप पे दिख रहे होते हैं उन्हें आइकॉन्स कहते हैं ठीक है एक्टिव लिंक्स हम क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इस आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो वो कहीं और रखे किसी एप्लीकेशन को या तो एग्जीक्यूट करा देते हैं या किसी और जगह आपको लेकर जाते हैं इसलिए एक लिंक तरह लिंक की तरह काम करते हैं जिस जो कहीं और से कनेक्टेड रहते हैं यहाँ बस वो शो हो रहे होते हैं इसीलिए इनको आईकॉन कहा गया आईकॉन है ये बस उन उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ये हो गया आईकॉन्स तीसरा हम और भी एक एक चीज़ आप देखिए कि जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये चीज़ जरूर मिलेगा इसे कहते हैं रिसाइकल बीन रिसाइकल बिन क्या होता है ये खास तरीके का स्पेस है जो जि, जिसका आइकॉन भी आपको डेस्कटॉप पे मिलेगा और इसमें क्या होता है जब भी आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो ये कहाँ जाता है रिसाइकल बिन में मतलब टेम्प्रोरली वो डिलीट होता है जब आप रिसाइकल बिन से किसी चीज़ को डिलीट कर देंगे जाके तब वो परमानेंटली डिलीट होगा आपके कंप्यूटर से तो रिसाइकल बिन क्या होता है एक तरीके का प्रोटेक्शन है जहाँ की कि आप किसी चीज़ को डिलीट करते हैं तो वहाँ रहता है टेम्प्रोली ताकि आप कहीं गलती से किसी चीज़ को डिलीट कर दिए हो तो वहाँ से रिकवर कर पाएँ चौथा चीज हम विंडोज के बारे में देखते हैं टास्क बार टास्क बार क्या होता है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो नीचे जो एक ऐसे पट्टी बनी होती है जहां कि जिसके एक साइड स्टार्ट होता है पहले स्टार्ट इधर लेफ्ट में होता था अभी बीच में आने लगा है गोल हो, हो गया है और उसके बाद यहाँ दिखता रहता है कि आप क्या चला रहे हैं क्रोम चला रहे हैं या फिर वी एल सी मीडिया प्लेयर चला रहे हैं या फिर मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हैं या फिर एम एस वर्ड चला रहे हैं यहाँ पे छोटे छोटे उसके एक जो भी आप एप्लीकेशन चला रहे होते हैं उसके यहाँ पर एक छोटे छोटे आइकॉन्स बन के दिख रहे होते हैं है ना इस ये वाली जो पूरी पट्टी इधर इस साइड में डेट टाइम दिख रहा होता है है ना कौन कौन सा बैटरी कितना है अगर लैपटॉप है तो और साउंड uh, कितना है ये सब छोटे छोटे आइकॉन्स यहाँ दिख रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर में जितने टास्क हो रहे हैं उसका पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में ब्योरा एक समरी यहाँ पर दिख रहा होता है इसे कहते हैं टास्क बार ठीक है इसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप बहुत सारे यूटिलिटी एप्लीकेशन को लेकर आता है यूटिलिटी एप्लीकेशनस वो होते हैं जो आपके किसी काम में मदद करते हैं जैसे एक एक एप्लीकेशन जो कि हर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है उसे कहते हैं पेंट इसमें आप कोई भी नॉर्मल सी ड्राइंग पेंट कर सकते हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है उनको सिखाने के लिए कंप्यूटर पे के माउस पर अपना कमांड बनाने के लिए भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है उसके अलावा ये एक और एप्लीकेशन अपने साथ लेकर आता है इसे कहते हैं वर्डपैड आप कोई नॉर्मल सा लेटर्स आप इसमें लिख सकते हैं टाइपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है उसके अलावा एक और छोटा सा नोट लेने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर लेकर आता है नोट पैड वर्ड पैड अलग है नोट पैड अलग है नोट पैड में आप जस्ट लिख पाते हैं थोड़ी कुछ थोड़ा बहुत फॉर्म चेंज कर पाएंगे बस लेकिन वर्ड पैड एक नोट पैड से ज़्यादा पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है इसमें आप किसी पैराग्राफ को और भी अच्छे से सजा सकते हैं इसमें और भी ज़्यादा आपके पास फीचर्स फैसिलिटीज़ होंगी नोट पैड से ज़्यादा नोट पैड वर्ड पैड पेंट इसके अलावा रिसाइकल बिन मैंने बता ही दिया इसके अलावा डिस्क मैनेजमेंट भी आता है विंडोज़ के साथ डिस्क मैनेजमेंट नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि आपके पेन ड्राइव को या आपके हार्ड डिस्क को मैनेज करने के काम आता है यहाँ से आप उसको मैनेज कर सकते हैं इरेज कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं पार्टीशन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं अलावा विंडोज़ में कुछ गेम्स भी प्री इंस्टॉल आते हैं पहले तो दो चार गेम आते थे आजकल भी आ रहे हैं चार पाँच गेम तो हैं जो विंडोज के साथ आते ही हैं है ताश के पत्तों वाला एक गेम है एक मैच करने वाला गेम आजकल विंडोज में आने लगा है, तो ये गेम्स आते हैं है। उसके अलावा विंडोज़ क्या आता है पहले से उसके साथ कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल जो है वो एक पार्ट है किसका सेटिंग्स का तो विंडोज़ जो आता है वो एक सेटिंग ऑप्शन के साथ आता है जिसमें आप विंडोज के मै मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग के थ्रू उसका एक पार्ट है कंट्रोल पैनल यहाँ से आप, आपके में आपके कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम चल चल रहा है किसको अनइंस्टॉल करना है किसको इंस्टॉल करना है ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल पैनल से मैनेज कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ शॉर्टकट्स हम देख लेते हैं जैसे जो कि हमेशा काम आएंगे जैसे F5 ये हमेशा रिफ्रेश करने के काम आएगा रिफ्रेश करेगा विंडोज़ को रिफ्रेश एस्केप जैसे आप कोई एस्केप जो बटन होता है अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं या किसी चीज़ को अभी वहां से निकलना है उसको नेग्लेक्ट करना है तो एस्केप बटन दबाएंगे आप तो उससे बाहर आ जाएंगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से आप बाहर आ जाएंगे ठीक है स्केप का मतलब होता है भागना आप वहाँ से भागें उसको छोड़ देंगे स्केप हो गया उसके अलावा कंट्रोल प्लस टैब कंट्रोल के साथ अगर आप टैब दबा रहे हैं तो आपके पास जितने एप्लीकेशन खुले हैं वो बारी बारी से खुलते जाएंगे मीन्स मान लो आपके पास पाँच चार एप्लीकेशन खुले हैं तो जब आप कंट्रोल टैब दबाओगे तो ये पहला वाला एप्लीकेशन आपके सामने खुल जाएगा फिर से आप अगर आपने कंट्रोल पर टैब दबाएगा तो अब ये खुल जाएगा अगर आपने फिर से दबाया तो ये खुल जाएगा अपने फिर से दबाया तो ये खुल जाएगा और उसके बाद फिर से दबाया तो फिर से ये खुल जाएगा तो जितने एप्लीकेशन खुले हैं उसमें सर्कुलेट होकर आपको बताता रहेगा कि कौन सा आपको खोलना है जिस पर आप जो आपको खोलना है वहाँ पर आप रुक जाइए तो वही खुल जाएगी इस कंट्रोल टैब इसका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट शॉर्टकट की है उसके अलावा एक है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ फोर इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को सट डाउन कर सकते हैं या रीस्टार्ट कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ फोर F4 एफ फोर से क्या होगा आप जो भी एप्लीकेशन आप अभी अपरन कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा ऑल्ट एफ फोर से मतलब ये एप्लीकेशन को बंद करने के लिए अल्ट एफ फोर पूरे कंप्यूटर को ही बंद करने के लिए कंट्रोल अल्ट प्लस एफ फोर ठीक है उसी तरह F2 से आप किस कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में हो उसको रीनेम कर सकते हैं F2 से F3 F3 किस काम आएगा सर्च फाइल आपको आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं भी कुछ सर्च करना है तो F3 से आप सर्च कर सकते हैं इसके अलावा अब हम देखते हैं लाइनक्स कमांड्स लाइनक्स आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जी में भी है बट इसका मैक्सिमम काम कमांड से होता है ठीक है टर्मिनल में कमांड लिखते हैं सेल में कमांड लिखते हैं और ये काम करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनक्स कमांड्स हम देख लेते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में लाइनक्स कमांड्स के बारे में तो ये भी कोई बहुत बहुत हार्ड नहीं है आप बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा देखिए okay, पहला है एल एस क्या करता है लिस्ट करता है आप जिस भी डायरेक्ट्री में हैं अगर आप एल कमांड दबाएंगे तो उसमें उस उस पर्टिकुलर डायरेक्ट्री में जिसमें अभी आप जिसमें अभी आपका कर्सर है उसमें जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उसको लिस्ट कर देगा उसको दिखा देगा आपको कि ये 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 इस नाम के फोल्डर हैं ये एल एस कमांड है विंडोज में यानी कि एमएस डॉस में आपने देखा था सेम काम कर रहा था कौन सा कमांड डी आई आर कमांड ठीक है दूसरा लाइनक्स की मैं बात कर रहा हूँ लाइनक्स में कमांड है सी डी ये सेम एम एस डॉस जैसा है या विंडोज जैसा है सी डी चेंज डायरेक्टरी अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन में जाना है तो सी डी के थ्रू आप जा सकते हैं तीसरा आ, कमांड जो इम्पोर्टेंट है वो हो सकता है पी डब्लू डी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी यानी कि अभी आप किस किस लोकेशन पर हैं अगर आप पी डब्ल्यू डी कमांड देंगे तो अभी का एग्जैक्ट पूरा पाथ वो आपको प्रिंट कर देगा जैसा कि पाथ कमांड कर रहा था अब एम एस डॉस में पी डब्ल्यू डी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी ठीक है चौथा आपको कोई फाइल बनाना कोई डायरेक्टरी बनाना है तो एम के डी आई आर ठीक है मेक डायरेक्टरी एम के एम के शॉर्ट फॉर्म में मेक डायरेक्टरी इससे क्या होगा एक फोल्डर बन जाएगा ठीक है अगर आपको कोई फोल्डर डिलीट करना है तो आर एम डी आई आर रिमूव डायरेक्टरी है ना अगर आपको कोई नया फाइल बनाना है तो उसके लिए कमांड है टच टच कमांड से क्या होता है एक नया फाइल आप बना सकते हैं टच टच कमांड नए फाइल को बनाने के लिए यूज किया जाता है कि cp, कॉपी का शॉर्ट फॉर्म cp, सी पी किसी फाइल को कॉपी करना है तो cp कमांड का यूज करेंगे किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है कॉपी नहीं करना है मूव करना है, मतलब कस, कट पेस्ट करना है तो उसे हम क्या कहेंगे एम वी मूव मूव का शॉर्ट फॉर्म किसी फाइल को किसी फाइल को डिलीट करना है ये पूरा पूरे डायरेक्टरी को डिलीट कर रहा था आर एम डी आई आर लेकिन आपको किसी फाइल को ही डिलीट करना है ओनली तो आर एम रिमूव का शॉर्ट फॉर्म रिमूव के बाद आपको यहाँ फाइल का नाम लिखना होगा उसको डिलीट कर देगा ठीक है एक कमांड होता है सी एच मोड चेंज मोड चेंज मोड का क्या क्या आ, मतलब है आप देखो कोई भी लाइन में कोई भी फाइल है वो उसके पास तीन तरह के परमिशन हो, हो सकते हैं पहला रीड परमिशन यानी कि ये रीडेबल है कि नहीं इसको कौन यूजर रीड कर सकता है या नहीं दूसरा राइट परमिशन कि इसमें राइट कोई कर सकता है कि नहीं तीसरा एग्जीक्यूट परमिशन एग्जीक्यूट का मतलब है इस अगर ये कोई प्रोग्राम का फाइल है या कोई Uh, किसी एप्लीकेशन का कोई बाइनरी फाइल है तो इसको एग्जीक्यूट ये हो पाएगा कि नहीं हमारा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट करने देगा कि नहीं देगा तो ये तीन तरह के परमिशंस होते हैं इन तीनों तरह के परमिशंस को हम सी एच मोड के थ्रू कंट्रोल करते हैं सी एच मोड चेंज मोड है ना रीड कर पाएगा कि नहीं राइट कर पाएगा कि नहीं और एग्जीक्यूट कर पाएगा नहीं ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है सी एच मोड से ठीक है इसके बारे में पूछा गया था इस सी एच मोड के बारे में तो आप इसको ध्यान में रखें चेंज मोड ये किस लिए यूज किया जाता है किसी फाइल के परमिशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है फाइल का परमिशन किस फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना परमिशन है किसको फाइल को परमिशन है तो है ये एक्चुअली ये परमिशन होता है यूजर को लाइन के जो यूजर है उसको परमिशन है कि नहीं इस फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट करने का अलावा एक एक कमांड है डब्लू गेट ये किसी चीज को किसी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए कमांड लाइन में यूज किया जाता है डब्ल्यू गेट उसको डाउनलोड कर देता है बारह ग्रेप कमांड ग्रेप कमांड क्या करता है किसी आपके पूरे लाइनअक्स में या किसी पर्टिकुलर सर्च रिजल्ट में किसी टेक्स्ट को ये मैच करवाता है किसी टेक्स्ट को मैच कराएगा कौन ग्रेप ग्रेप कमांड टेक्स्ट मैचिंग के लिए यूज किया जाता है जैसे आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं आपको चाहिए कि ऐसे सारे फाइल्स लाओ जो ए से शुरू हो रहा है तो ऐसे में ग्रेप कमांड काम आएगा ठीक है अब थोड़ी सी दूसरी बातें मैं बता देता हूं जैसे एक क्वेश्चन आया था एक बार कि टर्मिनल में क्या होता है यह डम टर्मिनल किससे मिलकर बना होता है अब ध्यान रखो आप टर्मिनल जानते हैं क्या होता है टर्मिनल वो कमांड लाइन एरिया जहां पर आप कमांड्स लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है जिसमें जीवाई नहीं होता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता तो एक डम टर्मिनल का मतलब है कि उसमें ग्राफिक्स नहीं है डम्ब है वो कुछ बोल नहीं सकता तो उसमें क्या होगा एक कीबोर्ड होगा है ना

या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने किसी फाइल से या कहीं से भी किसी चीज़ को कॉपी किया या कट किया तो जब आप कॉपी या कट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है जब आप कहीं दूसरी जगह उसको पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो उस वाले स्टोरेज लोकेशन से यहाँ आकर आकर प्रिंट हो जाता है टाइप हो जाता है या पेस्ट हो जाता है तो ये जो जब आप कॉपी या कट करते हैं तो वो कहाँ पेस्ट होता है कहाँ कॉपी होता है कहाँ स्टोर होता है उसे कहते हैं क्लिप क्या कहते हैं क्लिप बोर्ड यानी कि जब आप ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जहां मैंने देखा था कहीं कि जब आप किसी डेटा को कट करके पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करते समय वो डेटा कहां से आता है तो कहां से आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि कट या कॉपी कुछ भी करेंगे तो डेटा कहां स्टोर होगा क्लिप में तो कट करने के बाद जब डेटा आप पेस्ट कर रहे होते हैं तो वो वो कहां से आता है क्लिप से ठीक है एक और चीज कर्नल क्या होता है देखिए कर्नल से एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कर्नल क्या होता है कर्नल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है कोर पार्ट जो एक्चुअली में प्रोसेस मैनेजमेंट हार्डवेयर मैनेजमेंट कर रहा होता है उसे कर्नल कहते हैं कर्नल के पास ज़्यादा पावर होती है पावर का मतलब कैसे है ये यूजर को पावर देता है कि आप ये प्रोसेस ये एप्लीकेशन ये कोई भी जो उनका प्रोग्राम है उसको रन कर पाइए मीन्स कर्नल मेन है हेड है एक तरीके से गवर्नमेंट टाइप का है और ये यूजर्स को ये कैपेबिलिटी देता है कि वो तमाम अपलिकेशन रन कर पाए तो कर्नल के पास ज़्यादा पावर होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है एक्चुअल पार्ट अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो टर्म्स होने चाहिए जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने डिस्कस कर लिए है इस वीडियो में इतना ही अगर मुझे कुछ और भी चीज़ें याद आती हैं तो मैं आने वाले वीडियोस में उसको जोड़ दूंगा बट मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन इस 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 वीडियो और इस जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो को दोनों को एक साथ देखने से यानी कि पहले उसको फिर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू